हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने देखी रणबीर कपूर की शमशेरा मूवी, क्योंकि मेरे को इसका ट्रेलर काफी यूनिक लगा था और मैं इसके लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था। लेकिन यार देखो, मूवी तो अच्छी थी लेकिन कुछ ऐसा नयापन देखने को नहीं मिला इस पिक्चर में। वही टिपिकल फ्रीडम से पहले वाली कहानी कि हाँ भाई हमको आजादी चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और दोस्तों देखो, ट्रेलर में एक जगह हमने कुछ वॉर वाले सीन्स भी देखे थे, जिसको देख के ऐसा लगा था कि शायद इस वाले सीन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं लगा मेरे को। तो इसलिए स्टोरी वाइज तो आपको ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आने वाली, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको अच्छे लगते हैं, तो ये पिक्चर आपके लिए है। और यार वो जो बाप बेटे वाला एंगल है ना, वो आपको सरप्राइज जरूर कर देगा। और मैं यहाँ कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, इसलिए यार रुक जाओ, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला इस बात को। तो अब बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, तो मूवी पूरी तरह से रणबीर कपूर और संजय दत्त के कंधों पर चलती है। रणबीर कपूर एज ऑलवेज बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, और उनके इमोशंस को आप फील कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो बंदा है ना, वो अपनी आंखों से भी एक्टिंग करता है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि रणबीर कपूर एक परफेक्ट चॉइस थी इस रोल के लिए, क्योंकि ऐसी लार्ज स्केल मूवीज के लिए एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स के अंदर ढलना पड़ता है, जो कि सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय कुमार, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फिर बात करें संजय दत्त के कैरेक्टर की, तो इनको देखकर आपको KGF और अग्निपथ जैसी मूवीज की भी याद आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली एज ए विलन वो सेम टाइप की ही एक्टिंग करते हैं। लेकिन हाँ, इस पिक्चर में उन्होंने थोड़ी सी कॉमेडी भी की है, जो कि एक माइनर सा चेंज तो जरूर लेकर आता है, और ये दरोगा आपको कुछ जगहों पे हंसाएगा भी। लेकिन दोस्तों अब बात करें लीड एक्ट्रेस की, तो वाणी कपूर के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था इस पिक्चर में, उनको बस एज ए ग्लैमर यूज करने की कोशिश की गई है, जिसमें तो वायरफ पास हो गया। मजा, मेरे को तो मजा आया, और बाकी उनको जितना काम दिया गया है उतना उन्होंने ठीक ठाक कर भी लिया है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के दो तरह के ओपिनियंस या फिर रिव्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी होगी जिनको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी होगी जिनको ये मूवी फालतू लगेगी, एकदम बेकार लगेगी। और ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो इस मूवी के लिए कोई फाइनल वर्डिक्ट आपको नहीं दूंगा, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये मूवी आपको ठीक ठाक लग जाएगी, एंटरटेनमेंट के हिसाब से मजा आ जाएगा। बाकी ओपनिंग तो कुछ खास देखने को नहीं मिली है मुझे इस पिक्चर की। सुबह के शो में बस 50-60 लोग आए थे, लेकिन मे बी ये नंबर शाम तक इंक्रीज हो जाए। और बाकी अगर आपने ये पिक्चर देख लिया, तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।